हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का इंग्लिश का पेपर। ये पेपर हमारा हुआ था 3 जुलाई 2019 को और ये हमारा है सेट 7। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। द सिविक बॉडीज इन द कैपिटल हैव फॉर्मड टीम्स टू क्रैक डाउन ऑन कोचिंग सेंटर्स फाउंड वायलेटेड अलाउ। कि जो सिविक बॉडीज़ हैं कैपिटल में, उन्होंने एक ऐसी टीम्स गठित की हैं जो कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए, जो कि जो लॉ है, जो नियम है, उन्हें वॉयलेट कर रही है, यानी कि उन्हें तोड़ रही है। तो जो हमारा अंडरलाइन पार्ट है वो है फाउंड वॉयलेटेड लॉ। अब देखिए, जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो मतलब क्या, जो लॉ तोड़ रही हैं, यानी कि जो काम अभी भी चल रहा है, इसका मतलब जो हमारा सेंटेंस आएगा, वो जो वर्ब आएगी वो हमारी आएगी कंटिन्यूस में। तो जो देखिए, कंटिन्यूस हमारा ऑप्शन कहाँ पर है, फर्स्ट में नहीं है, तो दिस वन नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन नहीं है। जे फाइंडिंग टू वॉलेटल नो, जो हमारी मेन वर्ब है वो है वॉलेटिंग। ठीक है, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा फोर्थ वन, फाउंड वॉलेटिंग द लॉ, यानी कि जो लॉ को तोड़ रही हैं उन्हें। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हमें बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम गोइंग ओवर वंस हेड। यानी कि जैसा कि हम बोलते हैं हिंदी में भी, कि जो हमारी चीज़ सिर के ऊपर से निकल जाए, यानी कि सिर के ऊपर से निकलना, कोई बात हमें समझ ही ना है, ठीक है, उससे हम बोलते हैं गोइंग ओवर वंस हेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि हमारी कैपेसिटी के बाहर ही नहीं है वो कोई चीज़ समझना, तो हम उसे बोलते हैं कि ये तो हमारे सिर के ऊपर से ही निकल गई, यानी कि गोइंग ओवर वंस हेड। आगे हमारा पैराजम्बल, तो चलिए पढ़ते हैं। द सब्जेक्ट स्टोर्ड इन द गुरुकुल वेरिड फ्रॉम संस्कृत टू मैथमेटिक्स। यानी कि जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाए जाते थे गुरुकुल में वो थे संस्कृत मैथमेटिक्स। अब देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो नहीं हो सकता ए वन, क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल की बात की गई है और सब्जेक्ट्स की बात की गई है, यानी कि इससे पहले कुछ और स्कूल की बात की गई होगी या किसी गुरुकुल के बारे में बात की गई होगी, तभी हम गुरुकुल की बात, गुरुकुल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा ए नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक कोई ऑप्शन भी नहीं है वैसे भी। तो आगे, इंडियन एजुकेशन हैज़ इट्स रूट्स इन द एशियंट एजेस। यानी कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो उसकी जड़ें हैं, यानी कि जो उसका बेस है, वो हमारा प्राचीन काल से तक है। तो यानी कि यही हमारा इंट्रोडक्शन सेंटेंस हो गया, जहाँ पे हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है। तो जो हमारा सेंटेंस सही होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, वो हमारा बैठेगा द बी वन, क्योंकि इसमें हमें टॉपिक के बारे में बता दिया गया है कि हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं अपने पैराग्राफ में। तो जो हमारा बी वाला होगा वो होगा, तो इसे हम ये भी काट सकते हैं और ये भी काट सकते हैं। आगे देखिए, आगे हमारा बी सी या फिर बी डी, क्योंकि बी के बाद या तो सी आएगा या फिर डी आएगा। तो देखिए, पढ़ लेते हैं, पहले सी पढ़ लेते हैं। हाउएवर दिस सिस्टम चेंज व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया। पर ये सिस्टम चेंज होगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। अब देखो, दिस सिस्टम की बात की गई और हाउएवर, मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाउएवर होता है वो हमेशा एंड में आता है, क्योंकि जो कंक्लूसिव सेंटेंस होगा उसमें आएगा। और देखिए, दिस सिस्टम कौन सा सिस्टम, ठीक है ना, अभी मैं इसके बारे में नहीं बात की गई क्योंकि कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था हमारे एशियन टाइम में, इस सिस्टम के बारे में अभी बात नहीं की गई है। तो हमारा जो सी नहीं होगा, तो इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा बी डी ए सी। ठीक है, आगे बिना पढ़ी आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, पर आगे पढ़ लेते हैं हम इसे। देखो, अब बताएगा डी में, इन थोस डेज द गुरुकुल सिस्टम वॉज फॉलोड, यानी कि उन दिनों में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता था, गुरुकुल सिस्टम फॉलो किया जाता था। और गुरुकुल में सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते थे, संस्कृत मैथमेटिक्स। और फिर क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स आ गए तब ये सिस्टम चेंज कर दिया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी डी ए सी। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम क्या बोलते हैं, यानी कि कैसा इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज मतलब मेजर करने में काम लें, उसे क्या बोलेंगे। तो थर्मामीटर होता है हमारा टेम्परेचर के लिए, ठीक है, जो हमारा वोल्टमीटर होता है, जो हमारी वोल्टेज होती है उसे मापने के लिए यूज़ होता है, और एल्टीमीटर होता है हमारा हाइट के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज़ किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए। तो द फोर्थ वन इज़ द हमारा राइट आंसर। आगे, इन व्यू ऑफ हिज ट्रांसफर टू अ फार ऑफ प्लेस ही हैड टू डैश हिज प्रमोशन। यानी कि जो उसका ट्रांसफर था वो एक मतलब दूर जगह में हो रहा था, इसलिए उसको अपनी जो प्रमोशन थी उसे क्या करना पड़ा, प्रमोशन का मतलब उसे अपनी छोड़नी पड़ी, यानी कि उसे सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब रिज़ाइन होता है, रिज़ाइन तो हम देते हैं जॉब से, ठीक है, जानकि हमने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। अब इसने जॉब में रिज़ाइन नहीं दिया, उसको प्रमोशन मिल रही थी, पर वो मिल रही थी, अगर उसे प्रमोशन वो लेता तो जो उसके जो ट्रांसफ़र था वो काफ़ी दूर जगह हो जाता, जो कि वो जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी प्रमोशन को क्या कर दिया, मतलब लेने से मना कर दिया, अपनी प्रमोशन सेक्रीफाइस कर दी। तो रिज़ाइन नहीं होगा,
क्लेम होता कि ले लेना, उसने ली नहीं, असर्ट भी होता ले लेना, तो उसका सही आंसर होगा फोरगो। फोरगो होता कि आप मतलब अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ को छोड़ दें, जो अच्छी चीज़ थी आप उसे छोड़ दें, आपको आपकी चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए, तो उसका सही आंसर हमारा होगा फोरगो। ठीक है, द फोर्थ वन इज़ अ राइट आंसर। आगे आगे हमारा फिर से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द अर्बन आर्ट कमीशन हैज सुजेस्टेड दैट द लैंडस्केप बी डेवलपिंग बाई एडिंग वाटर फाउंटेन्स अराउंड द स्कल्पचर। ठीक है, जो अर्बन आर्ट कमीशन है उसने सजेस्ट किया है कि जो आर्ट मतलब वाटर फाउंटेन्स हैं उसे हम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा अंडरलाइन पार्ट है बी डेवलपिंग बाय, लेकिन दैट द लैंडस्केप बी डेवलप्ड बाय। अब यहाँ पे जो बी फॉर्म है उसके साथ जो हमारी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी वो होगी हमारी थर्ड फॉर्म, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी डेवलप्ड बाय। ठीक है ना, विद नहीं होगा, विद नहीं होता है क्योंकि मतलब उसे किस चीज़ से डेवलप किया जाएगा, बाय एडिंग, क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर फाउंटेन्स, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी डेवलप्ड बाय, बी वन इज़ द राइट आंसर। आगे इन द सेंटेंस इसमें हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है, तो देखिए मिसिस संगीता मलिक इज़ वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन इन अवर स्कूल। जानकि जो मिसिस संगीता मलिक हैं वो हमारी सबसे फेवरेट टीचर हैं स्कूल में। तो देखिए अभी ये कि यहाँ पे जो हमारा वन ऑफ द होता है, जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं मतलब सुपरलेटिव बता रहे हैं, तो वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स आएगा यहाँ पे, यहाँ पे सिंगुलर दे रखे हैं क्योंकि सब टीचरों में से एक टीचर, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा वन है वो तो हमारा सिंगुलर की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखो वर्ब भी वन आएगी, बट जो ग्रुप है ग्रुप में से बहुत सारी टीचर्स होगी ना, ना कि हम एक टीचर की बात तो कर नहीं रहे यहाँ पे, यहाँ के स्कूल में टीचर्स तो बहुत सारी पढ़ाती होंगी, उनमें से जो फेवरेट हमारी वो है मिसिस संगीता मलिक, इसका जो हमारा सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स। ठीक है, द थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। आगे आगे हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रिजनर्स हेल्ड अप हिज फिस्ट इन अ डेफिएंट डैश ही वॉज लेड आउट ऑफ द कोर्ट रूम। जो प्रिजनर था देन के जो कैदी था, फिस्ट क्या होता है, जो आपकी मुट्ठी होती है ना, इस मुट्ठी उसको हम फिस्ट बोल देते हैं। डेफिएंट क्या होता है, डेफिएंट का मतलब होता है कि आप मतलब किसी चीज़ की किसी चीज़ को डिसोबे कर रहे हो, यानी कि आप उस चीज़ को खुलेआम मतलब मना कर रहे हो, खुलेआम मतलब आपको कुछ कहा गया था तो आपने उसे माना नहीं। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि जो कैदी था जब वो कोर्ट रूम से बाहर आया, तो जो कोर्ट रूम ने डिसीजन दिया होगा तो उसने जो अपनी फिस्ट थी मतलब मुट्ठी इस तरीके से हिलाई, यानी कि इस तरीके से दिखाया कि वो जो कोर्ट का मतलब जो फैसला है वो उसे नहीं मानता, यानी कि कोर्ट के फैसले को वो डिसोबे कर रहे हैं, उसे नहीं पसंद आया कोर्ट का फैसला। तो यानी कि जो उसने फिस्ट थी वो वेव की होगी, नहीं, हाथ जो वेव होता है वो तो हम अपना हैंड वेव करते हैं, ठीक है, नहीं, तो इसका सही आंसर हमारा होगा जेस्टर। जेस्टर होता है इशारा करना, मतलब किस तरीके का आप इशारा कर रहे हो, आपकी जो बोलते हैं ना मतलब बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं तो आप उसमें जेस्टर्स के जरिए बस बात समझाते हो अपनी, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा जेस्टर। और सल्यूट होता है जैसे हम सल्यूट करते हैं, और टोकन भी नहीं होगा, उसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जेस्टर। जब आप डिफरेंट वर्ड याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि डिसोबे करना, और फिस्ट हमारी मुट्ठी, ठीक है। आगे हमें बतानी है पैसिव फॉर्म। तो द न्यू गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स वेल। जो न्यू गार्डनर था वो अपने जो प्लांट्स थे उसे अच्छे से लुक कर रहा था, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो टेंस है ये है हमारा सिंपल प्रेजेंट में, यानी कि ये कन्वर्ट किस में होगा, आर में कन्वर्ट होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी आर लुक्ड। तो देखिए अब आर लुक्ड कहाँ पे है, द प्लांट्स लुक्ड आफ्टर द वेल, नहीं, यहाँ पे सिंपल पास्ट में चला गया, द प्लांट्स वर लुक्ड, यहाँ पे भी सिंपल मतलब उसमें पास्ट में चला गया। देखिए यहाँ पे दे रखा है द प्लांट्स आर लुक्ड आफ्टर वेल, यानी कि जो हमारा थर्ड ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए द न्यू गार्डनर इज लुक्ड आफ्टर, नहीं, गार्डनर को लुक नहीं किया जा रहा यहाँ पे, तो जो सेंटेंस का मीनिंग है वही चेंज कर दिया है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड वन, क्योंकि यहाँ पे जो मैं सिंपल दे रखा था सिंपल प्रेजेंट उसका जो चेंज हो गया वो हमारा चेंज होता है आर में, ठीक है। आगे हमें फिर से ग्रामेटिकल मिस्टेक बतानी है, तो चलिए पढ़ते हैं। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर ड्यूरिंग अबाउट अ वीक्स टाइम, यानी कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सिंगापुर से मैं एक वीक के हफ्ते में वापस आ जाऊँ। अब जो प्रेपोजिशन ड्यूरिंग के साथ कोई प्रेपोजिशन हम यूज़ नहीं करते हैं, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ड्यूरिंग अबाउट। इसमें जो अबाउट है ये गलत लिखा हुआ है, इसमें अबाउट नहीं आएगा, द सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमारा क्लोज टेस्ट, चलिए क्लोज टेस्ट को पढ़ लेते हैं एक बार। एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी बिकम्स गार्डियन। गार्जियन होता है कि जो हमारी देखभाल करे, गार्जियन हम उसे बोलते हैं, गार्जियन हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, कोई हमारा भाई बहन भी हो सकता है, या फिर कोई हमारे चाचा चाची, जो भी हमारी देखभाल करे, यानी जो हमसे बड़ा हो, जो हमारी देखभाल करता हो, उसे हम गार्जियन कहते हैं। तो हर सुबह क्या होता था कि जो 9 साल की लड़की थी खुशी, वो क्या गार्जियन बन जाती थी अपनी जो 5-year-old सिस्टर अंकिता, यानी कि जो उसकी 5 साल की बहन थी अंकिता, वो उसकी क्या बन जाती थी, गार्जियन बन जाती थी। एस डैश होल्ड हैंड्स,
कैसे बन जाती थी, वो क्या करते थे एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते थे एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, वो रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करते थे टू डैश द स्कूल, स्कूल के डैश करने के लिए। द सिस्टर्स लीव होम, सिस्टर्स थे वो अपना जो होम लीव करते थे 7 बजे करते थे विद स्कूल पैक्स लार्जर देन देयर टोर्सिस। टोर्सिस का होता है जो हमारे शरीर का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसे हम टोर्सिस बोलते हैं, जानकर जो उनके स्कूल बैग थे वो उनके शरीर के ऊपर वाले भाग से भी ज़्यादा बड़े होते थे। द 2 किलोमीटर रूट दे वॉक ऑन फुट टू रीच स्कूल, तो उनका जो रास्ता था वो था 2 किलोमीटर था, वो पैदल जाते थे दोनों जाने। डैश इंक्लूड्स, क्या कुछ इंक्लूड करता था, एक वॉकिंग पास द रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है ना, एक रेलवे क्रॉसिंग आती थी एंड थ्रू द लेन्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल, लेन्स का होता है गलियाँ, ठीक है, और इंडस्ट्रियल एरिया यूज बाई मिनी ट्रक्स एंड कैरियर व्हीकल्स, ठीक है। ये हमें बताया गया कि वो स्कूल कैसे जाती थी। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमारा फर्स्ट है देखिए, एवरी मॉर्निंग 9-year-old खुशी बिकम्स गार्जियन टू हर 5-year-old सिस्टर अंकिता एज, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे हमें प्रनाउन यूज़ करना है तो वो भी प्रनाउन भी हमें यूज़ करना है मतलब सब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए यहाँ पे 2 लड़कियों की बात की गई है, यानी कि 2 आएंगी तो और ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगी, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दे, एज दे होल्ड हैंड्स, ठीक है। आगे हमारा 2-1 एंड क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू डैश द स्कूल, अब देखिए क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स टू डैश द स्कूल, स्कूल को पहुंचने के लिए, यानी कि जहाँ पे हमारा जो आएगा वो रीच आएगा। अब देखिए जहाँ पे अराइव भी आ सकता था, बट अराइव क्या होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि आपको किसी जगह में पहुंचना हो, बट दोनों में अंतर क्या होता है कि देखिए ये तो आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है जी। अराइव हम तब यूज़ करते हैं जब हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हो डायरेक्ट, अभी यहाँ से तो ये स्टार्ट ही हुई है मतलब अपने सोर्स से स्टार्ट हुई हैं, तो टू रीच द स्कूल यानी कि यहाँ पे पहुँच रही हैं, और जो रीच होता है वो ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें कोई परेशानी की बात हो, यानी कि हमें पहुँचने में कठिनाई हो रही हो तब हम बोलते हैं रीच द स्कूल। क्योंकि यहाँ पे देखो बताया गया कि दोनों जाने, दोनों छोटी थी और वो एक दूसरे की गार्जियन बन जाती थी और वो रेलवे ट्रैक क्रॉस करके जाती थी, जाने की उन्हें कठिनाई होती थी जाने में, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा इसका, हो जाएगा रीच 1, ठीक है। आगे हमारा 3rd 1 द सिस्टर लीव होम डैश, अब देखिए जहाँ पे हमारा देर का टाइम, तो टाइम के साथ हमारी जो वर्ब यूज़ होती है डेफिनेट टाइम के साथ वो होती है हमारी एट, ठीक है, तो एट 7 AM, और हमारा जो ऑन होता है वो यूज़ होता है जैसे कि हम कहें कि ऑन द क्रिसमस ईव, ऑन द न्यू ईयर ईव, और इन होता है हमारा जो साल होते हैं जैसे 1997 या फिर हम कहें ऑन वेडनसडे, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे विद द स्कूल बैग्स लार्जर, अब देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया स्कूल बैग्स को हमारी मतलब ऊपर वाले हिस्से के साथ अपने बॉडी के शरीर के साथ, यानी कि कंपैरिजन वर्ब यूज़ होगी, तो यहाँ पे यूज़ का हमारा क्या हो जाएगा देन, क्योंकि हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो देन यूज़ होगा। आगे हमारा 5th 1 द 2 किलोमीटर रूट दे वॉक ऑन फुट टू रीच, देखो यहाँ पे देखो रीच दे रखा है, इसमें भी रीच दे रखा है, तो हमें क्लियर हो सकता है कि यहाँ पे भी हमारा रीच ही आएगा, ठीक है। टू रीच स्कूल डैश इंक्लूड्स, वो क्या कुछ इंक्लूड करता था ये बता रखे हैं, तो मतलब जो वो रोज़ स्कूल जाती थी, हार्डली होता कि बिल्कुल ना के बराबर, तो ना के बराबर तो यहाँ पे कोई बात नहीं क्योंकि वाइडली होता है चौड़ा नहीं, इवनली होता कि हम कोई चीज़ को इवनली स्प्रेड कर दें, जैसे कि मिट्टी है तो उनसे इवनली बिल्कुल एक जैसा स्प्रेड करें, तो ऐसी कोई बात नहीं की जा रही यहाँ पे, तो हमारी बात की जा रही कि जो डेली थी वो 2 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी, यानी कि डेली आंसर उसका सही होगा डेली, ठीक है डेली। आगे हमें बताना है रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, तो हमारा देखिए पढ़ते हैं, नर्व बिल्कुल सही लिखा हुआ, नेगलेक्ट होता है इग्नोर करना, सही है, नेगेटिव भी सही लिखा हुआ है, जो हमारा गलत है वो है नर्वस, नर्वस के सही स्पेलिंग होते हैं NERVOUS, यानी कि जहाँ पे जो ई एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 4th 1 नर्वस, नर्वस मतलब आप व्याकुल हो किसी चीज़ के लेके चिंता में हो। आगे हमारा सिनोनिम बताना है वर्ड हमारा थवाट, इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ है मतलब उसे रोक दें, उस चीज़ को करने में बाधा पहुंचाएं, ठीक है, उसे हम थवाट बोलते हैं। तो देखो एड होता है हमारा किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है, यानी कि ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट, देखिए ये दे रखा है। फेस होता है हमारा चेहरा था किसी चीज़ को फेस करना, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा इम्पीड, इम्पीड का मतलब भी सही सेम ही होता है कि किसी चीज़ में बाधा पहुंचाना करने में उस काम को, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 1st 1 इम्पीड। आगे हमारा इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कीप मी वेटिंग ऑल नाइट, फादर ने अपने बच्चे से कहा कि क्या तुम मुझे सारी रात ऐसी जगाओगे, मैं तुम्हारे साथ ऐसे इंतजार करूंगा। तो देखिए फादर आस्क्ड मी इफ़ यू वर गोइंग टू कीप हिम एंड वेटिंग ऑल द नाइट, फादर टोल्ड मी, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, से आप ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, फादर आस्क्ड मी
देखो यहाँ पे भी आस्कड में आर यू गोइंग नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे तो इफ़ का यूज़ ही नहीं किया गया है। इफ़ आई वॉज गोइंग, फादर आस्कड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू कीप। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जो मी दे रखा है वो हमारा किस में कन्वर्ट होगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वन, फादर आस्कड मी, ठीक है, इफ़ आई वॉज गोइंग टू कीप हिम वेटिंग ऑल नाइट। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आगे द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करना और उसकी जो प्री हिस्ट्री है उसे स्टडी करना ताकि जो साइट होती हैं जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमने हड़प्पा साइट खोजी थी, ठीक है ना, इस तरीके से जो हम एक्सकवेशन करते हैं यानी कि हम खुदाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका सही आंसर होता है आर्कियोलॉजी, उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी। और जो सेफोलॉजी होती है, याद रखिए इसमें जो पी है वो साइलेंट है, ये होती है एक तरह का आपके लिए न्यू वर्ड हो सकता है, इसका मतलब होता है कि आप इलेक्शन से रिलेटेड स्टडी करें, यानी कि जो वोटर्स का पैटर्न कैसा होगा, इलेक्शंस किस तरीके से कराए जाने चाहिए, इस तरीके के जो स्टडी करते हैं इलेक्शंस रिलेटेड उसे हम बोलते हैं सेफोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होती है ह्यूमंस के लिए स्टडी, यानी कि जो ह्यूमन की सोसाइटी है, जो ह्यूमन है सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। और जियोलॉजी होता है कि हमारी अर्थ को स्टडी करना, अर्थ के क्रस्ट को स्टडी करना, अर्थ में जो कौन से सॉलिड पार्ट्स हैं जिससे हमारी अर्थ मिलकर बनी हुई है, इस चीज़ को स्टडी करना वो कहलाती है जियोलॉजी। तो आर्कियोलॉजी ह्यूमन हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री को स्टडी करना, किसकी वजह से, जो हम साइट्स वगैरह होती हैं उसे खुदाई करके स्टडी करना वो बोलती हैं आर्कियोलॉजी। और सेफोलॉजी होती है इलेक्शंस के रिलेटेड स्टडी करना, एंथ्रोपोलॉजी होती है ह्यूमन सोसाइटी को स्टडी करना और उसके बिहेवियर को जानना, और जियोलॉजी हमारी अर्थ के बारे में जानना, ठीक है। आगे बताना है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इंस्टेंट। इंस्टेंट होता है कि कोई चीज़ काफ़ी जल्दी हो जाए, इमीडिएट हो जाए, क्विक हो जाए, जैसे बोलते हैं ना कि इंस्टेंट नूडल्स आती है ना मैगी की एड, इंस्टेंट नूडल्स वो क्या होती है कि मतलब वो नूडल होती हैं वो इंस्टेंट बन जाती हैं यानी कि जल्दी से बन जाती हैं। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो चीज़ काफ़ी लेट हो, डिलेड हो, उसे हम लेट वो बोलेंगे। तो देखो इमीडिएट होता है जल्दी, करंट भी हमारा प्रेजेंट से रिलेटेड, क्विक भी जल्दी से रिलेटेड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा डिलेड, ठीक है, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बताना है सिनोनिम बताना है अगले वर्ड का हैंडी। हैंडी क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी आपके मतलब आसान हो आपको मिलने में, जो से काम कर रहे हैं वो आपको काफ़ी कन्वीनियंट लगे तो उसे हम बोलते हैं हैंडी। तो हार्ड हो जाता है, नहीं हार्ड होता है डिफ़िकल्ट, कन्वीनियंट सही आंसर हो जाएगा इसका हैंडी का, कन्वीनियंट यानी कि कोई चीज़ आपको काफ़ी कन्वीनियंट है, आप काफ़ी कंफर्टेबल है काम करने को लेकर, आपको हैंडी मतलब देखो कि कोई चीज़ आपके बिल्कुल पास में पड़ी आप उसे एकदम से उठा लोगे, जानकि आपके हैंडी है, आप हैंड से इसे उठा लोगे वो चीज़ को, ईजिली मिल जाती है तो उसे बोलते हैं हैंडी। यूजलेस होती है जो चीज़ हमें काम की ना हो, और क्लम्जी होता है कोई चीज़ जो होते हैं ना पर्सनस काफ़ी मतलब इरेगुलर तरीके से काम करते हैं, काफ़ी काम को खिलारा डाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्लम्जी मैनर में काम करना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कन्वीनियंट। आगे हमारा रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड का फिर से क्वेश्चन। तो वर्ड पढ़ते हैं हम, रिप्रोड्यूस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, रिवर्स सही, रिक्वायर भी सही, जो गलत है वो लिखा हुआ है रिसेंबल, इसके सही स्पेलिंग हो गए हमारे आर ई एस एम बी एल ई, रिसेंबल, रिसेंबल मतलब किसी चीज़ से मेल खाना। तो फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। आगे हमें बताना है एंटोनियम बताना है वर्ड रिजर्व्ड का। रिजर्व्ड क्या होता है कि कोई चीज़ ऐसे पर्सन होता है ना, जैसे ये तो बोलते हैं कि हमने सीट रिजर्व्ड करके रख ली अपने लिए, यानी कि अपने लिए बुक करके रख ली। एक होता है रिजर्व्ड का मतलब कि कोई ऐसा पर्सन होता है जो अपने आप में रहता हो, यानी कि किसी से ज़्यादा बात ना करता हो, अपने आप में रिजर्व्ड रहना पसंद करता हो, उसे हम बोलते हैं रिजर्व्ड। तो प्लेसिड का मतलब होता है जो चीज़ शांत हो, जिसका सिनोनिम हो सकता था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव होता है कि जो चीज़ जो काफ़ी मतलब आदमी हो, काफ़ी बातें करता हो, लोगों से मिलजुल कर रहता हो, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव। तो यही इसका एंटोनियम हो जाएगा क्योंकि हमें इसमें पूछा है एंटोनियम रिजर्व्ड का। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा टू, क्वाइट का मतलब भी देखो इस रिजर्व्ड से सिनोनिम हो सकता है, मॉडेस्ट का मतलब भी यही होता है, यानी कि जो पर्सन काफ़ी हम्बल हो, ठीक है। आगे हमारा है पैराजंबल, तो पढ़िए चलते हैं। एट दिस स्पीड द रॉकेट सून अटेंड द हाइट ऑफ 190 मील्स अबव द अर्थ, यानी कि इस स्पीड में रॉकेट ने थी क्या हाइट अटेंड कर ली थी, 190 माइल अटेंड कर ली थी अपनी हाइट थी। अब देखो यहाँ पे दिस स्पीड की बात कर रहे हैं, तो पहले स्पीड की क्वेश्चन हमारा नाउन आया होगा तो हमारा ए नहीं हो सकता, आप ए वाला काट सकते हो, ठीक है। एट 9 AM द ग्रेट रॉकेट लिफ्टेड इन द एयर विद द माइटी रोर, 9 बजे क्या था जो ग्रेट रॉकेट था वो लिफ्ट किया गया था एयर में विद द माइटी रोर, ठीक है। इट रोज स्मूथली, अब देखो यहाँ पे फिर से इट आ गया, क्योंकि पहले जो रॉकेट की बात कर रहा है तो रॉकेट की बात हमारी यहाँ पे की गई है द ग्रेट रॉकेट से, तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा बी,
इसके बाद बताया गया इट रोज स्मूथली एट फर्स्ट, पहले जो धीरे धीरे से आगे बढ़ा, फिर देन क्विकन टू आ स्पीड ऑफ, यहाँ पे जो स्पीड देर की है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसकी स्पीड एकदम से बढ़ गई तो सी वन। फिर आगे देखो बताया गया कि एट दिस स्पीड, अब इस स्पीड पे, यहाँ पे देखो स्पीड की बात की गई थी, फिर अब दिस स्पीड, ठीक है, द रॉकेट सून अटेन, तो फिर रॉकेट ने इतनी जो मतलब धरती थी अपनी जो हाइट थी अटेन कर ली, तो बी सी ए फिर आगे डी, तो बी सी डी ए काम पे देखिए ये एग्जाम पे आ बी सी ए डी, ठीक है। तो अगर डी वाला है गार्गिन नाउ पुल्ड हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो टू लुक डाउन, गार्गिन ने अपने आप को विंडो के मतलब नज़दीक लेके आया ताकि वो नीचे की ओर देख सके। गार्गिन कौन थे, जो थे यूरी गागिन थे, ये हमारे फर्स्ट मतलब फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे जो कि स्पेस में कभी गए थे और ये रशिया के थे, ठीक है। आगे हमारा ईडियम का बताना है हमें, मैड एज अ हैटर, यानी कि मैड होना मतलब इसका मतलब होता है कि जो बंदा काफ़ी क्रेज़ी काम हो, मतलब काफ़ी मतलब उसका जो दिमाग है ख़राब हो, या फिर कोई क्रेज़ी हरकतें करें, कुछ होते हैं ना ऐसे पर्संस जो काफ़ी अजीब सी हरकतें करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, मैड एज अ हैटर है। तो इसका सही अंतर हमारा सुपरस्टिशियस होता है, जो जो चीज़ अंधविश्वासी हो, ठीक है, वो ये नहीं हो सकता, तो वेरी अपसेट नहीं, ओल्ड फैशन नहीं, तो इसका सही अंतर हो जाएगा इंसेंट्रिक। इंसेंट्रिक का मतलब भी यही होता है कि काफ़ी बंदा मतलब क्रेज़ी हो, ये वर्ड अपना याद रखिएगा, इंसेंट्रिक जो काफ़ी चीज़ स्ट्रेंज हो, क्रेज़ी हो, उसे भी हम इंसेंट्रिक बोल सकते हैं। तो मैड एज अ हैटर का मतलब हो जाएगा इंसेंट्रिक, ये भी आपके जो वर्ड है इंसेंट्रिक पेपर में आ सकता है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन मी हेयर स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।